उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रदेश के 73 शिक्षकों के नाम की घोषणा की है। इस सूची में गोरखपुर के प्राथमिक स्कूल सिक्टौर खोराबार की सहायक शिक्षिका श्वेता सिंह का नाम भी शामिल है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज की स्पेशल स्टोरी। प्राथमिक विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित श्वेता पहले भी उल्लेखनीय कार्य के लिए कई पुरस्कार पा चुकी हैं। पुरस्कार प्राप्त सहायक शिक्षिका श्वेता सिंह का पढ़ाई का तरीका अन्य शिक्षकों से हटकर है। गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्वेता सिंह ने बताया कि मेरा उद्देश्य बच्चों को सरल तरीके से अच्छी शिक्षा देना है। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का उपयोग किया। पढ़ाई को लेकर बच्चों में उत्साह पैदा करने के लिए मैंने अपने संसाधनों से लैपटॉप और माइक लेकर आना शुरू किया। उसी से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे जैसे ही हाथ में लाउडस्पीकर पाते उनका उत्साह पढ़ाई के प्रति दोगुना बढ़ जाता। मैं हमेशा बच्चों को कैसे आसानी से सब कुछ समझ में आए इस पर काम करती रहती हूँ। जन समुदाय और अभिभावकों को जोड़ने के लिए मैंने गांव में चौपाल लगाना शुरू किया, जिसका परिणाम सार्थक रहा। आपको बता दें कि श्वेता सिंह को इससे पहले भी राज्य ICT पुरस्कार, राज्य ICT कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, कहानी सुनाओ प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार और दस्तक अभियान के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए प्राथमिक स्कूल सिक्टौर खोराबार की सहायक शिक्षिका श्वेता सिंह ने बताया। मुझे पता है यहाँ बच्चों को कुछ सब्जियाँ जिसकी पालक पसंद नहीं होगी, आपको पता है फल और सब्जियाँ हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। हमें अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियाँ जरूर से खानी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो चीजें हमें रोगों से बचाती है। कभी कभी हमको सब्जियाँ खाना पसंद नहीं होता, हरी सब्जी। करेला खाना किसको पसंद है? नहीं पसंद है ना, मगर करेला खाने से हमारा शरीर रोगों से बचा रहता है। और उस कहानी का क्या नाम है अभी नहीं बताते हैं, तुम लोग बताओ। चलो ये देखो किस चीज का चित्र है, सबको दिख रहा है? किसका चित्र है ये? और इस चित्र में क्या दिख रहा है? सूरज। सूरज निकलती है तो क्या होता है? गर्मी होती है, घाम हो जाता है, धूप हो जाता है, हो जाता है। और फिर हमको क्या लग जाती है? किसकी कहानी है ये? प्यासे कौवे की। कहानी शुरू किया जाए। अच्छा इस दूसरे वाले चित्र में क्या हो रहा है देखो तो। सूरज है, क्या है? कौवा है। आप क्या है? अच्छा घड़े में पानी है, कितना पानी है? थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है ना। को कहाँ लगाएंगे? क्या है बताओ? कागज वाला का किसके पास है? चलो उसको उस पे रखो। बोलो मुंह से बोलो का। अब दिवाकर तुम बताओ कौ से क्या क्या हो सकता है? कौ से कौवा हो सकता है, और कौ से क्या हो सकता है बताओ? कौ से कमल। और मेरा कहानी का नाम है जो जो पढ़ना चाहता है। जो जो पढ़ना चाहता है कि अगर किसको पढ़कर सुनाए। छोटी प्यारी न्यारी सो रही है, माँ और दादी काम कर रही है, पापा और दादा भी काम कर रहे हैं, चाचा जी बाजार गए हैं, उसी बिल्ली दूध पी रही है। अब किसको पढ़कर सुनाए, खुद ही पढ़कर सुनाएंगे। कितने लोग बुला रहे हो? 50।
मैं श्वेता सिंह प्राथमिक विद्यालय सिक्टोर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति वर्तमान विद्यालय में सन 2010 में हुई थी। विद्यालय में जो नामांकन था वो तो अच्छा था, किंतु उसके सापेक्ष जो उपस्थिति थी वो काफी कम थी। और मैंने प्रयास किया, चूंकि मैं सहायक अध्यापक हूँ और मेरा कार्यक्षेत्र सीमित है, तो मैंने सीमित संसाधनों में बेहतर प्रयास करने का ठाना। और सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को ही विद्यालय से जोड़ने के लिए उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाना प्रारंभ किया। शुरुआत में मैंने प्रार्थना सभा का संचालन मैं स्वयं करती थी, फिर धीरे धीरे इसका हस्तांतरण बच्चों को करने दिया। और वर्तमान समय में हमारे बच्चे ही प्रार्थना सभा का संचालन करते हैं, जिसमें वो प्रतिदिन प्रार्थना, समूह गीत, प्रतिज्ञा, समाचार, सुविचार और एक अंग्रेजी शब्द का वाचन करते हैं। दूसरा काम मैंने किया कि बच्चों की जो कक्षा होती है वो बच्चों के अनुरूप बनाने के लिए टीएलएम का प्रयोग प्रारंभ किया, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के टीएलएम को सम्मिलित किया। स्थायी टीएलएम में मैंने जो कक्षा की दीवारें होती हैं उनको प्रिंटेड बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के टीएलएम पेंट किए, और अस्थायी टीएलएम में चार्ट और कुछ वर्किंग टीएलएम का प्रयोग अपने शिक्षण में करना प्रारंभ किया। साथ ही साथ मैंने शिक्षण में बच्चों को जो आनंददायी, रुचिकर और छात्र केंद्रित शिक्षा देने के लिए बच्चों को आर्ट क्राफ्ट के साथ पढ़ाना, पपेट के साथ पढ़ाना, टीएलएम का यूज, आईसीटी का यूज और नवाचारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसमें गणित जैसे जो अरुचिकर विषय होते हैं उनको सरल बनाने के लिए मैंने कंचे का प्रयोग करने लगी, तीलियों का प्रयोग करने लगी, जो भी स्थानीय संसाधन मेरे पास रहते थे उनका प्रयोग कर मैं बच्चों को शिक्षण देने लगी, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते थे और उनका कक्षा में रुचि भी बढ़ने लगा और उनकी उपस्थिति भी कक्षा में बढ़ने लगी। साथ ही साथ मैंने देखा कि समुदाय का जो जुड़ाव है वो विद्यालय से अपेक्षाकृत कम है, तो इसके लिए मैंने विद्यालय अवधि के उपरांत बच्चों के साथ ही मैं गांव में जाती थी और चौपाल और नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपने ग्रामवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने लगी। साथ ही साथ मैंने शिक्षकों को भी भागीदारी उनकी सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में उनको भी आमंत्रित करना प्रारंभ किया। बच्चों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि पे मैं उनके अभिभावकों को भी सम्मानित करने लगी। साथ ही साथ नित्य प्रति जो शिक्षक अभिभावक बैठक है उनका आयोजन, और जो अब माता अभिभावक रहती थी उनको भी बुला करके उनको जागरूक करना मैंने प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा बच्चे प्रतिदिन स्कूल आए इसके लिए मैंने एक नवाचार किया था। मैंने क्या किया था कि जो बच्चे डेली स्कूल आ रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं माह के अंत में जो बच्चे सबसे अधिक स्कूल आ रहे थे बिना गैप किए उनको मैं हूँ नियमित शादी के पुराने कार्ड से बना करके देना प्रारंभ किया, और जो बच्चे अच्छे से साफ सुथरे होकर आते थे उन्हें मैं हूँ स्वच्छता स्टार, इसी प्रकार पहाड़ा स्टार, कविता स्टार, मतलब स्टार का प्रयोग करके एक शादी के पुराने कार्ड का यूज करके बच्चों को स्टार देने लगी,
तो इससे बच्चे बड़े खुशी खुशी उस स्टार को संग्रह करने लगे और अंत में जिन बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टार होता था वो स्टार ऑफ द ईयर कहलाता था। तो इस तरह से बच्चों में एक शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और वो विद्यालय जो है आना प्रारंभ कर दिए। इसके अलावा 2017-18 में मैंने पुस्तक दान अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य था कि मैं अपने विद्यालय में एक पठन कक्ष का निर्माण करना चाहती थी जिसमें अलग अलग प्रकार की पठन सामग्रियां बच्चों को उपलब्ध करा सकूं, बच्चों को पठन के प्रति आकर्षित करने, उनमें पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए एक पुस्तक दान अभियान चलाया जिसमें हमारे जनपद के कुछ शिक्षकों ने भी सहयोग किया है, जिसमें जनार्दन सिंह जो MD PG कॉलेज के एक टीचर हैं उन्होंने भी सहयोग किया था। तो इस पुस्तक दान अभियान के द्वारा मेरे पास कुल 203 पुस्तकें उपलब्ध हो सकी थी। इसके अलावा केयर इंडिया की तरफ से मुझे आरंभिक पठन किट भी प्राप्त है। साथ ही साथ हमारे इस पठन कक्ष में विभिन्न प्रकार के TLMs और फ्लैश कार्ड, बिग फ्लैश कार्ड्स भी हैं। और इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए बिग बुक बनाया है। बिग बुक वह किताब होती है जिसके प्रिंट और जो उसके लेटर्स होते हैं वो दोनों ही बड़े होते हैं, इतने बड़े कि पीछे बच्चा जो बैठा हुआ है उसे भी साफ साफ वो चीजें दिखाई दे सके। तो इस प्रकार मैंने अपने विद्यालय में एक पठन कक्ष का निर्माण किया जिससे बच्चे पठन के प्रति आकर्षित हो सके। इसके अलावा पठन मेले का भी आयोजन किया जिससे और हमारे जो अभिभावक हैं वो भी विद्यालय से जुड़ सके। ये एक माइक, मैंने कॉर्डलेस माइक लिया है अपने बच्चों के लिए और इस माइक से जब मैं पढ़ाती हूँ तो एक तो पहले तो आवाज तेज जाती है, पीछे बच्चा बैठा भी बच्चा जो बैठा है उसे भी सुनाई देता है। साथ ही साथ ये बच्चे इसको प्रयोग करते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है। जो बच्चे जैसे किसी को अगर कविता सुनानी है या किसी को कोई पहाड़ा सुनाना है या किसी प्रश्न का उत्तर देना है या पुस्तक ही अगर रीडिंग करनी है समूह में या फिर जोड़ी में बैठ करके, तो बच्चे जब माइक का प्रयोग करते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था अपनी आवाज को इको हो करके सुनना। तो ये भी एक अच्छा मेरा नवाचार था जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। आप जो टीचिंग इस समय कर रही हैं, जो मतलब इस समय जो बच्चों का सिलेबस, जैसे बहुत जगह तो ये है कि ऑनलाइन आप क्लासेज पढ़ाई है क्योंकि गांव में सुविधा नहीं है, तो क्या क्या ऑफलाइन के लिए आपने इसको सहारा लिया? ये नहीं सर, ऑफलाइन के लिए मैं वर्कशीट बना रही हूँ बच्चों के लिए। अभी तो अभी थोड़ा सा बंद है क्योंकि मैं आइसोलेटेड हूँ, तो लेकिन मैं अभी वर्कशीट बना रही हूँ बच्चों के लिए ताकि जो बच्चे हमारे पास जो ऑनलाइन जिनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें ये वर्कशीट उपलब्ध कराया जाता है और वो बच्चे जाकर के घर से करके लाते हैं। उसमें एक हफ्ते का काम होता है और वो जब जमा कर देते हैं तो उनकी कॉपियां चेक करके उनको नई वर्कशीट दी जाती है। और इस वर्कशीट के लिए भी मैंने जो है मेरे घर में जो पुरानी कॉपियां होती हैं उनके पेजेस निकाल के स्टेपल लगा करके और उनको लिख लिख करके देती हूँ। तो ये भी शून्य निवेश नवाचार एक तरह से कहा जा सकता है। ये आपको इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया आपको? जी, मुझे जो है दस्तक अभियान के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार प्लस राज्य ICT पुरस्कार, इसके अलावा राज्य ICT प्रतियोगिता में चयन हुई हूँ और इसके अलावा कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में भी मैं चयन हुई हूँ। जिला स्तर पे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से भी मुझे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये अभी ये आपका ये प्रयोग जो है ये इस प्रयोग को किस एक्सटेंड तक ले जाना चाहेंगे आप? जी, अभी तो मेरा सर एक प्रयास है कि आप जो हमारे विद्यालय में जो माता अभिभावक हैं जो हमारे विद्यालय से जुड़ रही हैं, मेरा अब आगामी योजना है कि मैं उनको भी साक्षर कर सकूं। तो मेरी आगामी योजना उन अभिभावकों के लिए, माता अभिभावकों के लिए है कि वो भी कुछ हमारे विद्यालय से जुड़े और उसका लाभ लेकर के वो साक्षर हो सके। जब आप टीचिंग में यहाँ से विद्यालय से जुड़ी थी उस समय कितने स्टूडेंट थे, अब इस समय कितने थे? सर उस समय लगभग 260 स्टूडेंट थे और वर्तमान में मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बता रही हूँ और वर्तमान में पिछले सत्र में मेरे पास जो है 302 बच्चे थे।